हिंदुस्तान के लीडरों को भी समझना है कि अगर इस मुल्क को तरक्की करनी है तो उस मुल्क के साथ दोस्ती में रहना है, उसके बगैर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कर लें जितना भी कोशिश करना चाहिए। जब भी थोड़ा सा भी कुछ हिंदुस्तान पाकिस्तान में हो जाता है, हम मुसलमानों का उसका खमियाजा भरना पड़ता है। मेरे वालिद, जबकि कश्मीर 80% मुसलमान थे, उस वक्त जब वो पार्टीशन हुआ, उस वक्त ये फैसला किया गया कि जो मुसलमान जहां अक्सरियत है वो पाकिस्तान को जानी चाहिए। और उस वक्त वहां से नारा लग रहा था, नारा तकबीर अल्लाह अकबर, और यहां से मेरे वालिद खड़े हो गए, कहा मैं ये दो नेशन मजदूरी नहीं मानता। हमारे हिंदू भाई कहां जाएंगे, हमारे सिख और ईसाई भाई कहां जाएंगे, हमारी ये बहनें कहां जाएंगी अगर हमने इसको कबूल किया। ये लोग भूल गए उस वक्त, जबकि सब कुछ उधर है, हमारे दरिया का पानी उधर जा रहा है, हमारी सड़कें उस तरफ थी। उस वक्त ये मर्द मुजाहिद निकला, नहीं, हमारा रास्ता गांधी का रास्ता है, नेहरू का रास्ता है, जहां हम सब इकट्ठे रहेंगे। हां, आज इसमें जरूर फर्क आ गया। आज मुझे खुद बच्चे कहते हैं कश्मीर में कि तुम्हारे बाप ने गलत फैसला किया, हमें वहां जाना चाहिए था। मैं तो कहता हूं तुम छोटी नजर से सोचते हो, ये वक्त आ गया है, मगर ये वक्त बदलेगा। यहां फिर से लोग जिएंगे, हिंदू मुसलमान सिख भाई भाई की तरह रहेंगे और रिश्ता बेहतर होगा। हवा है, मगर इसका मुकाबला करना जरूरी है, नफरतों का मुकाबला करना है, उसके बगैर नहीं बनेगा। मैं तो खास कहता हूं कि पाकिस्तान को भी अपनी हदगर्मी छोड़नी चाहिए, उनको भी यह समझना चाहिए, अगर उनको उस मुल्क को बचाना है तो हिंदुस्तान के साथ दोस्ती में रहना है। और हिंदुस्तान के लीडरों को भी यह समझना है कि अगर इस मुल्क को तरक्की करनी है तो उस मुल्क के साथ दोस्ती में रहना है, उसके बगैर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कर लें जितना भी कोशिश करना चाहिए। जब भी थोड़ा सा भी कुछ हिंदुस्तान पाकिस्तान में हो जाता है, हम मुसलमानों का उसका खमियाजा भरना पड़ता है। हिंदुस्तान के लीडरों को भी यह समझना है कि अगर इस मुल्क को तरक्की करनी है तो उस मुल्क के साथ दोस्ती में रहना है, उसके बगैर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कर लें जितना भी कोशिश करना चाहिए। जब भी थोड़ा सा भी कुछ हिंदुस्तान पाकिस्तान में हो जाता है, हम मुसलमानों का उसका खमियाजा भरना पड़ता है।